हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में जो आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम हो रही है और इस एग्ज़ाम में फिटर ट्रेड से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सीबीटी एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपका 76 मार्क्स के होगी। अगर इसको आप अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो आईटीआई का जो स्कोर होती है, परसेंट होगी, वो इसी पर आपका निर्भर करती है कि कैसा स्कोर आने वाला है। इसके अलावा एक इम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें टोटल आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होगी। तो उसके ऊपर भी हम टॉपिक वाइज वीडियो बना दी है, आप प्ले लिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको सीबीटी एग्जाम में किस किस तरह का, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। 25 क्वेश्चन का एक सेट है, तो उस सेट को आप देख लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए आप फाइनली इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से सॉल्व करते हैं, और इसमें जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ओनली ट्रेड थ्योरी का, यानी कि ट्रेड थ्योरी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 38 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितना मार्क्स का होगी, तो 38 गुने 2 कर दीजिएगा तो 38 गुना के 76 मार्क्स का इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की संख्या इसमें 38 रहेगी। इसके अलावा 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन और 6 इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, उसका भी एक अलग वीडियो दे दिए हैं जो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक सेट तैयार किया हुआ है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये तीन वीडियो आप देख लीजिएगा तो टोटल क्वेश्चन आपका 75 कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि एक सेट आपका तैयार हो जाएगा। तो आप ये तीन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला को शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टाइम यहाँ पर आपसे हम ज़्यादा नहीं लेंगे, सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, यानी कि पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत कौन सा आता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम पहला का बी के साथ चूज करें, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। गोल्डन आवर्स की अवधि जो होती है कितना से कितना मिनट का होती है, ये आपका पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी जब राइट ऑप्शन चूज कर दीजिएगा तो घटना के बाद के पहले का 30 मिनट, यानी कि जब घटना होती है उससे पहले का जो 30 मिनट होती है उसे हम गोल्डन आवर्स के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चूज करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है यह प्रतीक क्या दर्शाता है, यानी कि एक सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल के द्वारा हम क्या दर्शाते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इस सिंबल के द्वारा जो हमको दर्शाया जाता है स्टॉप, यानी रुकने के लिए दर्शाया जाता है। तो ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं ट्रेड थ्योरी में, आप अगर पूरा वीडियो देखते होंगे, मेरा रेगुलर वीडियो को देखते होंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 4, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है यह रोड साइन किस तरह का है। तो यहाँ पर देखिए एक पेट्रोल टंकी का है और साइन दिया हुआ है, और यहाँ पर एक ये बैनर लगा हुआ है जिसमें बताता है कि ये रूट दिल्ली जाएगी, यानी कि सूचना हमसे इसको प्रदान कर रहा है, सलाह दे रहा है कि आगे पेट्रोल टंकी है, इस रूट इधर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जो है इसका डी के साथ चला जाएगा, और ये जो चिन्ह होते हैं वर्गाकार होते हैं, इन्फॉर्मेशन साइन जो होते हैं वर्गाकार होते हैं, और वार्निंग साइन जो होते हैं त्रिभुजाकार होते हैं। तो वर्गाकार से आप समझ जाइएगा, और जिससे हमको सूचना प्रदान होती है उसे इन्फॉर्मेशन साइन के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी के साथ हम चूज करेंगे। वार्निंग सिंबल त्रिभुजाकार होती है, तो उससे आप समझ जाइएगा कि यह वार्निंग सिंबल है। ठीक है, इसके अलावा 2 और होती है जो प्रोहिबिशन और मैंडेटरी साइन होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है बेच भाइस को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेच भाइस को बनाने के लिए हम कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है स्लॉटेड एंगल में प्लेट में दिए गए स्लॉट का क्या उद्देश्य होती है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, स्लॉटेड एंगल में जो
दिए गए स्लॉट का उद्देश्य होती है वो जॉब को पकड़ने के लिए, तो राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चूज करेंगे। बेहद आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ हम चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रिंच का नाम बताइए, जिसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो प्रतिबंधित स्थान पर उपयोग किए जाने वाला जो टैप रिंच होती है वो टी हैंडल टैप रिंच होती है। तो बी ऑप्शन में इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या होती है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो फीट की इकाई होती है एमएम प्रति रेवोल्यूशन, यानी कि राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, 8वां का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कि कटिंग स्पीड की इकाई क्या होती है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 9वां का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। जो कटिंग स्पीड की यूनिट होती है मीटर प्रति मिनट होती है, तो राइट ऑप्शन जो है सी के साथ हम चूज करेंगे, ठीक है। 9वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। अगर आपसे कटिंग स्पीड का फार्मूला पूछता अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन में, तो फार्मूला जो होता है पाई इंटू डी इंटू एन होता है बटा 1000। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है और इसको जो हम व्यक्त करते हैं इसकी जो यूनिट होती है मीटर प्रति मिनट होती है। तो करेक्ट आंसर जो है हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चन हम कई बार अपने वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, एक बार आप इसे समझ जाइएगा तो चित्र देखकर ही ऑप्शन को ठीक कर पाएंगे। इसका देखिए यहाँ पर जो होती है फॉर्मूला एक होती है मेन स्केल रीडिंग, सब डिविजनल रीडिंग और क्या होगा प्लस थिमनल रीडिंग एंड लिस्ट काउंट होता है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, कुछ नहीं है, हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए 50 से 75 दिया हुआ, 50 के बाद इधर 10 खुला है, ठीक है। तो 50 और 10 60 हो जाएगा, 10 60 के बाद यहाँ देखिए 61 62 63, तो मेन स्केल रीडिंग जो आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम, फिर यहाँ पर देखिए वो छोटा सा नीचे कोना में एक 0.5 है, यह 0.5 जो होता है सब डिविजनल रीडिंग होता है, तो इसको 0.5 इसी में ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 लिख दिए। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है थिमनल स्केल रीडिंग, थिमनल पर कितना है ये, तो यहाँ पर देखिएगा ये 10 पॉइंट है, उसके बाद 11 12 13 पर कंसीव करता है, तो इसका जो थिमनल रीडिंग हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 13 और इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01, तो 0.01 से जब इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो आएगा 63.63। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया हुआ है, तो इस तरह से इसे हम जब चूज करेंगे तो इसका ए के साथ राइट ऑप्शन चला जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी कॉपी में जो बनाए हैं इस तरह से बनाए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के अच्छी तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि रेती से रिलेटेड है। अगर आप फाइल के बारे में जानते होंगे कि उसका कौन कौन से पार्ट होते हैं तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम, यानी कि एक फाइल दिया हुआ है, इसको इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा, सेफ एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि फाइल से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली शाखा उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के प्रोफाइल को काटने के लिए जिस सॉ का उपयोग किया जाता है उसे कंटूर बैंड सॉ के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम 12 का सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, 12 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स का उत्पादन का क्या कारण है।
तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो फाइल वाले सरफेस जो होती है उस पर खरोच चिप्स का उत्पादन का कार्य जो होती है कारण होती है वो पिनिंग के कारण होती है। तो करेक्ट आंसर हम 13 के 1 के साथ चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या होगी, यानी कि बाहरी आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया हुआ है उसमें ब्रिटिश सिस्टम में इसका जो रीडिंग आएगा क्या आएगा। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार इसे भी जब सॉल्व कीजिएगा तो राइट ऑप्शन जो है इसका सी के साथ चला जाएगा, 0.359 इंच हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सारे क्वेश्चन उसी तरह से बन जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले आप उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइपर को सेट करने के लिए किया जाता है, यानी कि आपसे पूछा गया है जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होती है उसमें किस भाग का उपयोग हम सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है इसका डी के साथ चला जाएगा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर डी के साथ चूज करेंगे, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव को सुनिश्चित करता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोमीटर का कौन सा भाग जो होती है जब हम माप लेने लगते हैं उस समय जो है एक समान दबाव को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, रैचेट स्टॉप जो होती है एक समान दबाव को सुनिश्चित करती है। तो यह जो होती है माइक्रोमीटर का एक भाग होता है जो थिम्नल के बाहरी सिरे पर लगा होता है। तो करेक्ट आंसर जो है डी के साथ हम यहाँ पर चूज किए, 16 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन ये माइक्रोमीटर से ही रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है वो स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर डी के साथ हम चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है रेडियल ड्रिल मशीन के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। आपको एक इमेज दिया गया है रेडियल ड्रिल मशीन का, ठीक है, और उसमें एक भाग का आपसे नाम पूछा गया है। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं, छोटा करके दिखाते हैं। तो ये इस तरह से फिगर है आपका रेडियल ड्रिल मशीन का, और इस भाग का, इस पार्ट का आपसे नाम पूछा गया है। तो इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है स्पिंडल हेड के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। स्पिंडल हेड जो होता है या एक प्रकार का ड्रिल का मशीन का जो होता है शीर्ष भाग होता है, यानी कि सबसे ऊपर का भाग होता है जिसमें एक धुरी होती है जो ऊपर से नीचे की ओर घूमती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, 19 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी चित्र से ही रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा गया है शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है, यानी कि जो शीट मेटल वर्क का हम काम करते हैं उस समय जो सहायक उपकरण का उपयोग करते हैं वह कौन सा उपकरण होती है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका इमेज है और इसके चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इस जो सहायक उपकरण को जो हम नाम से जानते हैं हाफ मून स्टेक के नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। स्टेक जो होती है स्टील या लोहा का एक ब्लॉक होता है जिसके ऊपर जो होती है समतल पृष्ठ होता है, उसी पर जॉब को हम रख करके सही आकार देते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा कई प्रकार के और स्टेक हैं जैसे बिक आयरन स्टेक, फनल स्टेक, हैचेट स्टेक, इस तरह से होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका भी आप इमेज डायग्राम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चूज किया। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है रिवेटिंग में फ्लूड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुआ है, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो जो रिवेटिंग में फ्लूड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं टूल को
उसे हम फुलेरिंग टूल के नाम से जानते हैं। तो 21 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, टीन के चादरों को सोल्डरिंग करने के लिए किस प्रकार के फ्लश का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टीन के चादरों को सोल्डरिंग करने के लिए जिस फ्लश का उपयोग करते हैं उसे हम जिंक क्लोराइड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ होता है। तो अभी हम आपको ऊपर में बताएं, जो शीट मेटल होती है उसके द्वारा किसी भी जॉब को उस पर रख करके सही आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यानी कि हमको सहायता प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु शीट सबसे आसान है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जोड़ और शोल्डर के लिए जो धातु शीट का सबसे आसान है वो टिन प्लेट है। तो करेक्ट आंसर जो है 24 का हम ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिप्ट का क्या उद्देश्य होती है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है हम यहाँ पर 25 का सी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच को 45 डिग्री कोण पर काटा जाता है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 26 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, स्लैंट नोच का हम 45 डिग्री कोण पर काटते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, विद्युत लाइन से दूर के क्षेत्र काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर विद्युत लाइन ना हो, वहाँ पर अवेलेबल ना हो विद्युत, तो वहाँ पर हम जो प्रयोग करेंगे वेल्डिंग मशीन का, किस प्रकार के मशीन का उपयोग करेंगे। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर जो 27 का राइट ऑप्शन जो है इंजन जनरेटर सेट हो जाएगा। तो इंजन जनरेटर सेट जो है सी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा आर्क वेल्डिंग मशीन है जो कि इलेक्ट्रोड और जॉब पर दोनों जगह पर बेहतर ऊष्मा का वितरण प्रदान करती है, यानी कि वहाँ पर अच्छी तरीका से ऊष्मा मिलती है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर रेक्टिफायर सेट होगा। करेक्ट आंसर ए के साथ चूज कीजिएगा, 28 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, बाय वाट बिल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में डॉट डॉट है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा डॉट डॉट एंगल को मिलेट किया जाता है। यानी कि जो वेल्डिंग टेक्निक में जो ब्लो पाइप और फिलर रॉड होती है उसमें एंगल को कितना डिग्री पर मेलेटेट किया जाता है। तो राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो 29 का राइट ऑप्शन जो है 60 और 30 डिग्री पर मेलेट किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, और यहाँ भी इमेज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दीजिए। इस भाग को आपको किस नाम से जाना जाता है, जो चित्र में दिया गया यह पूछा गया है। ठीक है, तो इस भाग को जिस नाम से जानते हैं पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर यह जो है किस प्रकार का चित्र है। ठीक है, तो यह चित्र जो है गैस वेल्डिंग टॉर्च का है, और इस भाग का जो नाम से हम जानते हैं ऑक्सीजन कंट्रोल नियंत्रण वॉल्व के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन नियंत्रण वॉल्व, यानी कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसका इमेज जो होता है कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसके सभी पार्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए।
31 में पूछा गया हमसे टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का क्या उद्देश्य होती है, यानी कि जो एंड टाइप का जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 31 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, समान निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर 31 का डी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमसे पूछा गया ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी कि आपको वात्याभट्टी का एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें एक भाग का नाम पूछा गया है, जो कि यह भाग है आपको किस नाम से हम जानते हैं यह पूछा गया। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, टूएर्स के इसको नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए के साथ हम चूज करेंगे। इसके अलावा और कोई पार्ट होते हैं आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे पार्ट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 32 का राइट ऑप्शन हम जो है ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कौन सा रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है, यानी कि उस रिमर का आपको नाम बताना है जिसका जो लंबा टेपर लीड होता है, ठीक है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 33 का राइट ऑप्शन जो है हैंड रिमर के साथ चला जाएगा, और रिमर का हम प्रयोग रिमिंग करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है डाई स्टोक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ होता है, तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 34 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए डाई स्टॉक में हम सेंटर स्क्रू का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है 34 का बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है ड्रिल बिट का साइज को कैसे मापा जाता है, तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्रिल बिट का जो साइज हम मापते हैं लैंड के बीच से मापते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश, कुछ यहाँ पर मान दिया हुआ है 32 44 6 H8V में जो V है क्या दर्शाता है, यानी कि जब ग्राइंडिंग व्हील का विनिर्देश यानी कि स्पेसिफिकेशन में जो वैल्यू होता है उसमें जो V होता है वो क्या दर्शाता है, यानी कि V जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर इसके चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ए के साथ चला जाएगा, यहाँ पर भी जो होती है विट्रीफाइड बॉन्ड होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 36 का ए के साथ चूज करेंगे, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, 36 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवरसाइज होते हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ड्रिलिंग जब करते समय जो छेद ओवर साइज हो जाते हैं इसका मुख्य जो रीजन होती है असमान लीप की लंबाई। ड्रिलिंग जब कीजिएगा तो उसका जो छेद होती है होल होती है वो ओवर साइज हो जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, और यह क्वेश्चन जो है इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया 38 में थ्रेड में होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटरशिक टूल का कोण क्या होता है, तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जब 38 का राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो काउंटरशिक टूल का जो कोण होता है 80 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 38 का हम बी के साथ चूज करेंगे। तो ये सारे इस सेट में क्वेश्चन थे जो आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड थे। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा रहा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके अलावा कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।